भोपाल में बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी प्राप्त कर लाखों के ठगी करने वाले आरोपी को साइबर पुलिस की टीम ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक कर्मचारी बनकर फोन करता था और लोगों को विश्वास में लेकर बैंक डिटेल्स और ओटीपी लेकर ठगी करता था। भोपाल की साइबर टीम ने बताया कि गुलशन कुमार यादव झारखंड का रहने वाला है। आरोपी लोगों के मोबाइल नंबर पर बैंक अधिकारी बनकर अकाउंट के डिटेल और ओटीपी प्राप्त करता था और उनका जमा रुपया धोखाधड़ी कर उड़ा दिया करता था। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जी सर, साइबर में एक आरोपी गिरफ्तार किया है, किस तरह की ठगी लोगों के साथ वो करता था? बेसिकली देवघर है, ये डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ से हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली आरोपी जो केवाईसी के अपडेट के नाम से बैंक अधिकारी बनके कॉल करते थे और लोगों से उनकी जो बैंकिंग की डिटेल है वो ले लेते थे, साथ में उनका जो ओटीपी है वो लेकर पैसा निकाल लेते थे। और भी लोग इसमें ठगी का शिकार हुए इनका अभी शुरू करा है इन ठगी में? नहीं, ये पिछले 3-4 साल से ये लोग ठगी कर रहे हैं और भी इनके साथी हैं जिन पे हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हेड ऑफिस कहाँ बना के रखा है इन लोगों ने? ये देवघर जिला है झारखंड का, वहाँ पे ये वहाँ गाँव है, वहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। भोपाल में भी इनकी टीम सर? नहीं, भोपाल में नहीं, ये टेलीफोन से ही लोगों को ठगते थे। टेलीफोन से पहले ये SMS भेजते थे कि आपके अकाउंट का KYC अपडेट होना है, फिर लोगों को कॉल करते थे और उनसे अकाउंट की डिटेल ले लेते थे, साथ में जब OTP आता था तो OTP पूछकर पैसा निकाल लेते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।